अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और दोहा जो है वो थोड़ा रेडी हुई है और बड़ा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। बेटा घूम के दिखा रहा है और साथ में मैचिंग पिन भी लगाई है मेरे बेटे ने। तो जी, इसके स्कूल में एक इवेंट है जिसके लिए ये रेडी हुई है और उसके लिए मैंने इसको इस तरीके से रेडी किया है और बड़े प्यारे प्यारे पोल बना के दिखा रहा है। आज कल यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पहले नवीद दो दिन बीमार रही हैं, फिर दोहा को बुखार हो गया, तो फिर इस वजह से जो है ना मेरा व्लॉग काफ़ी दिन से नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अब जो है ना कुछ अपलोड कर देती हूँ एक आध छोटा मोटा व्लॉग, ताकि फिर थोड़ा सा कंटिन्यू रहे, तो उसके बाद मज़ीद व्लॉग्स आते रहेंगे। इधर फेस ही तो दिखाएँ, इधर फेस ही तो दिखाएँ। क्या हम जरा ग्रोसरी वगैरह करने जा रहे हैं, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे और बच्चों को पार्क लेके जाएंगे, क्योंकि ठंड की वजह से ना हम घर पे ही थे तो आज थोड़ा मौसम अच्छा है, तो हमने सोचा चलें घूम फिर के आते हैं। वेट, नो नो नो, उधर नहीं जाना है। कम बैक प्लीज, हमारे साथ जाना, हमारे साथ साथ अपनी चीजें अपने जो चीज चूज करनी हुई ना साथ ही हमारे कर लो। दिस वे चल, इधर इधर इधर। आयशा जो प्लीज कम हियर, मामा बाबा के साथ रहो। और क्या लेना? और इनके लिए कुछ है चीज लेनी है खाने वाली, देख लें। ये डोनट्स खाने हैं, चॉकलेट डोनट्स? मुझे लेकिन खाने बस आयशा को घूमने का शौक है। ओके ओके, चीटोस हमारे फेवरेट खाना है। बाबा से पूछो, बाबा को दिखा के लो जो भी चीज है। उधर से फार्म फूड है, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, ये चीटो से लिखा भी नहीं हो, कुछ और लिखा हुआ। अच्छा सही है, इनको देख लें कितने का है, 1.10 का। चलो बस ठीक हो गया, ले लिया। व्हाट्स दैट? बाइक। ओके चले आप बस। कल तो चॉकलेट लेके दी थी मैंने आपको, वो चॉकलेट अभी पड़ी हुई है काफी सारी, लेकिन 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 वो हमने घर जाके नोटेला भी पड़ी है, वो भी पड़ी। चलो आप बस, ये बहुत हो गया ना। बनाना तो लेने, तो बनाना मेरे ख्याल पड़े में। चलो बस बहुत, चलो एप्पल लेना, एप्पल यम्मी से लग रहे हैं इस साइड पे। इधर आयशा को फ्रूट ले लेते हैं। हलाल देखना होता ना, हलाल है या नहीं है, मुझे देखना होता है ना। चल जेलेटिन भी ना, हाँ जेलेटिन है, बस ऐसे होते हैं जेलेटिन। ये बेटा नहीं, ये ऐसे हलाल नहीं है ना मिठू।
चलो चेक कर लो। ये कोई भी नहीं है, तो कोई भी नहीं मेरा बच्चा। चलो चलो आज नेक्स्ट एप्पल लेना तो ले लो एप्पल। आपको ले के दिया ना, ये देखो इतना यम्मी एप्पल है। Look, here we go. Come here. Right? Yes, here is an apple. Pink lady, वो देखो apple. 55p का एक है। हाँ, देख लो लेकिन, देख लेना। Just one ले लेते हैं। इनके लिए। हाँ, देखो बेटा इसको। हर कोई क्यों पूछता है कि ये twins हैं? आयशा जोहा, आर यू बोथ ट्विंस? यस। आर यू ट्विंस? ट्विन सिस्टर्स। ओ पिजन इज कमिंग टू यू। Look, sun looks too good. Oh, there is squirrel. Squirrel! Come here. अब जी हम आए हैं थोड़ा सा पार्क घूमने फिरने बच्चों को लेके, और बच्चों का मूड था। हमने कई चीजें भी ली हैं। हाँ जी, हमने चीजें भी ली हैं। और हमने क्या किया है? और एंजॉय। और एंजॉय। एंड व्हाट एल्स यू डिड? लेस। यू ईट लेस। एंड चीटोस। चीटोस। एंड चॉकलेट। कपकेक्स। एंड कपकेक्स। देखिए ये खुद ही चल रही है। ये बुलबुल के बच्चे हैं। This your mommy and I will this. Oh yes, we will eat this. This bites mini 18 milk chocolate. Flapjack bites by Sainsbury. By Sainsbury. Water. देखो। Be careful. Okay, आज आज जो भी था। बेटा क्या करने हैं बोलोगे? हम घर पार्टी करके ना। ये सारे आपके कपड़े गीले हो जाएंगे। अरे चल ठीक, थोड़ी देर बैठो, फिर ले लेंगे। वो बेंच ही उधर। ओके और बैठो, मुझे यहाँ पर बैठ। I'm doing some work. Mom, can you phone me, please? Yeah, I'll give you just few minutes, please. Mommy, can you cut apples? Yeah, I bought this for you
in your this bowl, the frozen bowl. I'll cut and I'll give you, okay? First I have to talk to someone, okay? ये जी ली है चने की दाल 2 किलो और इसकी इस दफा बनेगी और दो व्हाट इंग्लिश मैम उर्दू व्हाई नॉट उर्दू बिकॉज उर्दू इज नॉट अलाउड इन पाकिस्तान यू कैन इन यूके इंग्लिश उर्दू इज नॉट अलाउड यू कैन इंग्लिश अच्छे होती Okay, so you must speak Urdu. Oh, sorry, English also. English. Okay. So I have bought 2 kg chana dal, and इस दफा मैं आपको पंजीरी की जो है साथ में प्राइस भी बताऊंगी कि कितने में हमारी पंजीरी रेडी हुई है. तो ये जी मैंने 2 किलो चने की दाल ली है, तकरीबन 5.5 pound की, 5.38 की. तो इसको अभी मैं भिगोऊंगी पूरी की पूरी दाल को 2 kg, और ये एप्पल बच्चों के लिए कट करूंगी, और फिर आपको भिगो के पूरी नाइट के लिए ये भिगो के रखूंगी. उसके बाद सुबह इसको ड्राई करूंगी, और फिर हम कल छोड़ के, कल का दिन छोड़ के परसों ये बनाना स्टार्ट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट इट. जी बच्चों को मैं एप्पल काट के देके आई हूँ. नवीद का वॉइस मैसेज आया था कि कुछ मीठा बना दो, काफी दिन हो गए कुछ मीठा नहीं खाया. तो मैंने सोचा कि चलें, वो कह रहे थे कि या सूजी का हलवा बना लो या कुछ और पड़ा हुआ चलो. वेरी नाइस. तो ये जी रस मलाई का मुझे मिला है पैक, जो कुछ पड़ा हुआ था लास्ट टाइम हमने लिया था तो बनाई नहीं. तो मेरा दिल है कि अभी ये भी साथ बना लूँ और इसको भिगो दूँ, तो फिर ये बनेगी हमारी 1-2 दिन के बाद पंजीरी बनेगी. चलें जी जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं. ये जी 2 किलो दाल मैंने पानी में भी पहले धो रही हूँ, इसको धो के तो फिर इसकी बनेगी पंजीरी. मैंने इसको डाल दिया है और ठंडा गर्म पानी डालते हैं और इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे. सबसे पहले जब वॉश हो जाएगी तो फिर इसको पानी में ही भिगो देंगे. तो इस तरीके से ये सेकेंड टाइम है जो कि हम बना रहे हैं पंजीरी, मैं और मेरी फ्रेंड, क्योंकि लास्ट टाइम वाला बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो इतनी ज़्यादा पसंद आई सबको पंजीरी. जी व्हाट हैपेंड टू योर हैंड व्हाट हैपेंड All is dirty. No, I am just washing the dal there. The lantern. Why you look so pretty? Mommy, can we? Ji, mera beta. Yes, I will do it. Just give me 5 minutes, please. Please. बहुत एहतियात से इसको धोना है, एक जो दाना है ना वो भी ज़ाया ना होने पाए, और जो हमारी बेहतरीन दाल है वो अच्छे तरीके से इसको वॉश करके तो मैं भिगो दूँगी. ये जी दाल मैंने भिगो दी है इस तरीके से. ये 2 किलो दाल है चने की, बड़ी बेहतरीन. इसको मैंने काफ़ी देर अच्छे से वॉश किया है, वॉश करने के बाद मैंने इसको पानी में भिगो दिया है. और अब हम जी तैयारी कर रहे हैं रसमलाई बनाने की. तो जी ये है शान रसमलाई मिक्स जिसे हम बनाएंगे, और ये है दूध 3.40 लीटर, तकरीबन 3.5 लीटर ये दूध है. इसमें से मैंने डालना है 1 लीटर इसके लिए, तो मैं अंदाज़े से ही डालूँगी. तो देखते हैं मेरा अंदाज़ा कहाँ तक ठीक होता है. बॉटल को ओपन करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और रसमलाई बनाने की कोशिश करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई थिंक ये 1 लीटर होगा. आई थिंक सो. क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स तो बने हुए हैं लेकिन मुझे कोई ख़ास पता नहीं चल रहा. थोड़ा सा डाल लेते हैं, यही हो सकता है. चलें
आई थिंक ये अब इनफ है, ये अब मैंने समझे इतना डाला। ये तो था मेरा आज का व्लॉग, नेक्स्ट पंजीरी और रसमलाई की रेसिपी आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।